गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम के बाद आपका फिर से वीडियो लेक्चर सेशन में आपका स्वागत है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड 7th चैप्टर 10th ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। हमने ये चैप्टर सिर्फ दो टॉपिक के लिए पढ़ा था, सर्कुलर सिस्टम में हार्ट पढ़ा था और वेस्ट निकालने में किडनीज पढ़ा था, राइट, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा था। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्टार्ट तो आपका उसी दिन हो गया था। हमने पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था बच्चों, कि हमने ये पढ़ा था हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, राइट। स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, इट एंटर्स अवर इसोफेगस, स्टमक में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा खाना डाइजेस्ट होता है, देन द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। तो हमने उस चैप्टर में किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम दो सिस्टम और पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब वो खाना डाइजेस्ट तो हो गया हमारी बॉडी में, राइट, वी नो दैट दैट फूड वॉज डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, बट वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुँचता है, कैसे पहुँचता है, कौन पहुँचाता है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हमारी बॉडी में से वेस्ट बाहर कैसे निकलता है, वो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो हम पहले प्लांट्स का देखेंगे, फिर ह्यूमन बींग्स का देखेंगे, राइट, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो पाइपलाइंस फिट है, जिसे हम वेंस बोलते हैं, नस बोलते हैं, राइट, जो मैंने आपको बताया था जब हम क्या पढ़ रहे थे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, कि भाई सारे बॉडी का ब्लड जो है वो हार्ट में पहुंचता है किसके थ्रू, वेंस के थ्रू, हमारे नस के थ्रू, राइट। तो वो फ्लो होने के लिए मीडिया पास प्रोवाइड करती है। वैसे ही प्लांट्स में भी हर एक जगह पर पानी पहुँचना इम्पॉर्टेंट है, खाना पहुँचना इम्पॉर्टेंट है। तो वो कौन पहुँचाता है, दैट इज़ ऑल्सो डन बाई द सेट ऑफ पाइपलाइंस। उसके अंदर भी एक ऐसा फॉर्मेशन होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है। तो वी वुड बी स्टार्टिंग अवर टॉपिक ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। अब हमें पता है कि पानी कौन लेता है ज़मीन में से, ये एक पेड़ खड़ा है, तो यहाँ पर रूट है, राइट, ये ज़मीन है पूरी। अब इसके अंदर उससे वो क्या लेते हैं, तो पहला लेते हैं पानी और दूसरा लेते हैं मिनरल्स। ये कौन लेता है, रूट लेता है। अब रूट ने तो यहाँ ले लिया, अब यहाँ पे जो डाली के ऊपर लीफ है उस तक कौन पहुँचाएगा, ये तो उस तक पहुँचाएगा जाइलम, एक टिश्यू है जो ये प्लांट है ना, उसके अंदर ऐसे पाइप जैसा होता है, वो हर जगह होता है, एवरीवेयर। तो जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ वहाँ ये क्या होता है, जाइलम होता है। ये क्या करता है, ये रूट्स में से जो रूट्स ने पानी मतलब कि H2O और मिनरल्स इकट्ठा किए हैं, वो पहुँचाएगा पूरे पार्ट्स तक, राइट। क्या कौन करेगा, वो जाइलम करेगा, नाम याद रखना, XYLEM, जाइलम। अब ये पानी और मिनरल्स तो जाइलम पहुंचा देगा, लेकिन रूट को पता कैसे चलेगा कि जाइलम को कौन सा पानी और कौन से मिनरल्स देना है, क्योंकि मिट्टी के अंदर तो देखो बहुत कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रूट्स है तो यहाँ पर कचरा भी होता है, गंदा पानी भी होता है, पानी थोड़ा ख़राब भी रहता है, तो ये रूट्स को कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा अच्छा पानी है, कौन सा अच्छा मिनरल्स है, हाउ वुड यू डिसाइड, राइट। तो वो एक प्रोसेस से होता है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, ये जो प्लांट है यहाँ पे खड़ा हुआ पेड़, उसके जो रूट है ना, इस रूट के ऊपर छोटे छोटे ऐसे हेयर, रूट हेयर होते हैं, ऐसे ऐसे बाल जैसे वाइट कलर के स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप किसी पेड़ को निकालते हो मूड में से, तो आपने देखा होगा ऐसे वाइट वाइट कलर के हेयर होते हैं, राइट, इन्हें रूट हेयर बोला जाता है। अब ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये ऑस्मोसिस करते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, कि ये जो रूट हेयर है ना, ये जो वाइट कलर के रूट हेयर होते हैं इसके ऊपर, इनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर, चानी गहिणी जो हम बोलते हैं, राइट। तो वो चा जब हम सुबह निकालते हैं उस गहिणी से, तो चाय पत्ती, आदू, वो सब क्या रह जाता है, ऊपर रह जाता है, और चाय जो होती है वो हमारी नीचे आ जाती है, राइट। तो वो जो गहिणी हमने यूज़ की है वो क्या हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, मतलब कि सिलेक्टेड चीज़ें ही उसमें से जा पाती है, जो दूध होता है वही उसमें से निकलेगा, आलू रह जाएगा, चाय पत्ती रह जाएगी, राइट।
तो हम उसे क्या करते हैं, हमें सिर्फ दूध चाहिए, तो वो किसका काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। किसका काम करती है, सेमी परमिएबल मतलब कि ओनली सिलेक्टेड, SELECTED, सिलेक्टेड थिंग्स के, सिलेक्टेड थिंग्स मतलब कि जो मिनरल्स और जो पानी इस प्लांट के लिए ज़रूरी है वही इस रूट हेयर में से ऊपर जा पाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। गॉट इट? अब ऑस्मोसिस होता कैसे है, तो ये जो प्लांट का रूट है और ये जो ज़मीन है, इन दोनों के बीच का कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है कि कहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा है और कहाँ पर मिनरल्स कम है। क्योंकि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, दैट जब कोई मिनरल्स किसी वीक जगह से स्ट्रॉन्ग जगह पर जाता है तो ही उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर मिनरल्स कम है, यहाँ पर इस रूट्स में मिनरल्स ज़्यादा है, तो ये कम कहाँ चला जाएगा, ज़्यादा के पास चला जाएगा। यहाँ पर भी मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है, रूट में ज़्यादा है, तो यहाँ से कम मिनरल्स कहाँ चला जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन में आपको दिख जाएगा, द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो यही कहती है, राइट? क्या होता है, द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वीकर टू अ स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन, राइट? ये जो रूट्स थे इसके, इसमें बहुत सारा मिनरल्स इकट्ठा हुआ, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है मिट्टी में, तो वो मिट्टी का सारा मिनरल्स कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, राइट? और ये सब जब रूट में इकट्ठा हो जाता है, ये मिनरल और वाटर, तो इसे कौन ऊपर ले जाता है हर एक जगह पे, तो उसका नाम क्या था, जाइलेम, याद रखना, XYLEM, राइट? ये रहा जाइलेम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली वाटर, राइट? वो जो रूट पानी खींचता है उसी को पहुंचाने का काम किसका है, जाइलेम का है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये पानी पहुंचने के बाद जो पत्तियां जो खाना बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो खाना कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, राइट? जो पत्तियां होती है उसमें खाना बनता है, तो ये खाना भी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुँचना ज़रूरी है, राइट? वो जो ट्री है उसके रूट तक भी खाना पहुँचना चाहिए, जैसे रूट से लीफ तक पानी पहुँचा वैसे लीफ से रूट तक खाना पहुँचना चाहिए। तो वो कौन करता है, अब हम वो देखते हैं, राइट? उससे पहले हम एक और पानी की प्रोसेस है वो देख लेते हैं, कि हमने अभी हमने साइंस में पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबको नीचे खींचता है ना? हमने साइंस में ये पढ़ते हैं, फिजिक्स में, कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर डालते हैं, ऊपर फेंकते हैं, आप जब खेलते हो बॉल से, तो आप कितनी भी ज़ोर से बॉल को हवा में फेंकोगे, वो डायरेक्ट आती कहाँ है, वापस लौट कर नीचे ज़मीन पर आती है। ऐसा तो नहीं है कि हवा में उड़ती रहती है। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न हमें पता है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट? ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण, राइट? तो कोई भी चीज़ हम ऊपर डालेंगे तो वो नीचे आएगी। तो हमने अभी पढ़ा कि ये जो पानी है ज़मीन में से वो ऊपर जा रहा है, तो ऐसे तो कैसे पॉसिबल है। हमने अभी पढ़ा ना जाइलम में कि ये जो रूट होते हैं वो पानी सब ले के ऊपर जाने देता है, राइट? तो नेचुरली तो ये हो नहीं सकता। हमारे घर पर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होती है उसमें से पानी हम हमारे छत की टंकी पर चढ़ाते हैं, तो उसमें हम मोटर लगाते हैं, राइट? हम मोटर के स्विच चालू करते हैं तो वो मोटर से ऊपर पहुँचता है। बट ये जो पेड़ है, राइट, उसके अंदर तो कोई मोटर फिट है नहीं, तो ये सारा नीचे का पानी ऊपर कैसे जा रहा है, ऐसे हम साइंस को गलत कैसे बोल सकते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न है ये, यहाँ पर जो लिखा है ना, ट्रांसपीरेशन। वो अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है, तो ये जो रूट है ना, वो जो पानी जितना लेता है ज़मीन में से और लीव्स तक पहुँचाता है खाना बनाने के लिए, मान लो कि रूट ने पानी भेजा 100%, राइट, खाना बनाने के लिए, तो ये जो पत्तियाँ होते हैं ना जो खाना बनाते हैं, लीफ, वो कितना यूज़ करती है पता है, मैक्सिमम 5-10%। तो कितना बचा, 90% पानी बचता है,
और ये 90% पानी का क्या होता है, तो वो उड़ जाता है, बाष्पीभवन हो जाता है, मतलब कि इवाप्रेट हो जाता है। आपने देखा होगा कहीं बार पेड़ के जो पत्ते होते हैं, लीव्स, ये जो लीफ होती है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स होते हैं, हर एक पत्ते के ऊपर पाँच दस होते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता है, ऐसे पत्ते होते हैं, राइट। वो क्यों होता है, वो होता है प्लांट ने अपने अंदर से जो पानी था वो क्या किया, छोड़ दिया, ही लेफ्ट द वाटर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवाप्रेशन। अब ये इवाप्रेशन की वजह से क्या होगा, पानी की कमी होगी, राइट, डेफिशिएंसी होगी पानी की, किसके अंदर होगी, पेड़ के अंदर होगी। क्यों, क्योंकि उन्हें तो नॉन स्टॉप पानी चाहिए, है ना, द वाटर शुड बी फ्लोइंग कंटिन्यूसली। तो जब ये इवाप्रेशन होता है, मतलब यहाँ पर पानी कम हो गया, राइट, ये जो पेड़ था उसके अंदर पानी कम हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो रूट है ना, वो नीचे से पानी को क्या करेंगे, पुश करेंगे ऊपर, और ये जो पत्ते हैं ना, ये बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपीरेशन, वो इस पानी को ऊपर पुल करेंगे, क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, पुल एंड पुश फोर्स हो गया, राइट। वो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, टू फोर्सेस, पुश एंड पुल, ये जो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है वो यही है। जब प्लांट ये प्रोसेस करता है ट्रांसपीरेशन का, क्योंकि उसे पूरा दिन धूप में खड़ा रहना होता है, तो उसका 90% वाटर जो है वो क्या हो जाता है, इवाप्रेट हो जाता है, उड़ जाता है। तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से जब ये सारा पानी इस पेड़ पे से निकल जाता है, तो नीचे से रूट्स जो है वो जो पानी को है वो क्या करते हैं, ऊपर पुश करते हैं, और ऊपर के जो पौधे होते हैं, जो लीफ और ब्रांचेस होती है, वो उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे। इसीलिए इस फोर्स को क्या बोला जाता है, पुश एंड पुल फोर्स। अब आपको पता चला कि ये जो ग्रेविटी की हम बात कर रहे थे वो क्यों नहीं होती है प्लांट्स में, क्योंकि ये जो नीचे पानी है, ये जो रूट्स के अंदर पानी है, उसको कोई ऊपर खींच रहा है, राइट, पुल कर रहा है। अब हम किसी चीज़ को खींचेंगे तो वो हमारी तरफ आ ही जाएगी, चाहे ग्रेविटी हो कि ना हो, राइट। तो ये है प्रोसेस ट्रांसपीरेशन की, जो ये पानी होता है ना, जो ये पहुंचता है रूट्स के थ्रू, जाइलम पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है पानी, याद रखना, और फ्लोएम पहुंचाता है खाना, वो हम अभी पढ़ेंगे। अब एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि जो मिनरल्स और पानी का सॉल्यूशन ऊपर जाता है रूट से, जो रूट मिनरल्स और पानी का सॉल्यूशन बेचता है ऊपर, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, SAP, सेप सॉल्यूशन। आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये था, राइट, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट लाइन में SAP, सेप। द सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर दैट मूव्स अप फ्रॉम द रूट टू द लीव्स इज कॉल्ड सेप, राइट। जिसके अंदर दोनों होते हैं, क्या होता है, पानी प्लस मिनरल्स, जो प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस दोनों के मिक्सचर वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सेप सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यह हो गई पानी की बात, अब हम आगे बढ़ते हैं खाने की बात को। तो जैसे रूट से लीफ तक पानी पहुंचता है, वैसे ही लीफ से रूट तक खाना पहुंचता है, उसे कौन पहुंचाता है, तो उसे पहुंचाता है, ये दिखा यहाँ पे, फ्लोएम टिश्यू पहुंचाता है, राइट, PHLOEM, फ्लोएम टिश्यू। क्या करेगा, लीव्स जो है वो खाना बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यू नो दैट, राइट। क्या क्या यूज़ करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है, पानी यूज़ करती है, और सनलाइट यूज़ करती है, राइट। और क्या बनाती है, तो ग्लूकोज बनाती है, मतलब कि खाना, प्लस ऑक्सीजन बनाती है, मतलब कि हमारे लिए हवा, गॉट इट। अब ये जो खाना बना, वो हर एक पार्ट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन भाई साहब की रहती है, फ्लोएम की, राइट। इसमें इतना ही है, तो मतलब आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। पानी कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है, कौन सी प्रोसेस से पहुंचाता है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से पहुंचाता है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस का मतलब क्या होता है,
तो जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन होता है वहीं पे सारा कंसंट्रेशन जमा हो जाता है। जो मिनरल्स का कंसंट्रेशन लो होता है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। रूट्स के अंदर क्या होता है ऐसा जो पानी को खींचते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं? तो रूट हेयर होते हैं। और रूट हेयर में ऐसी क्या चीज़ होती है जो सिर्फ मिनरल्स, जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं उन्हीं को आगे जाने देते हैं? तो हमने बात की थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, जो हमने चाय पत्ती वाला एग्जांपल लिया था कि सुबह जब हम चाय को गाढ़ते हैं तो चाय पत्ती, आदू, इलायची जो भी हमने डाला है दूध के साथ वो ऊपर ही रह जाता है चाय की घड़ी में, और चाय अकेले नीचे आ जाती है। मतलब दैट इज़ कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो चीज़ें ज़रूरी है वही निकलेगी उसमें से। दैट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो रूट हेयर में होती है, वो ज़रूरी मिनरल्स को पहुँचाती है अंदर रूट्स तक, और फिर वहाँ से जाइलम जो है वो पूरे प्लांट्स तक पहुँचा देता है। फिर हमने ट्रांसपिरेशन की बात की थी कि प्लांट जो है वो 90% वाटर जो है वो इवाप्रेट करके छोड़ देता है, तो उसे वापस से रिप्लेनिश करने के लिए या फिर वापस उसको उसका पानी जो ख़त्म हो गया है उसकी जगह नया पानी भरने के लिए कौन सा फोर्स आता है? पुश एंड पुल। एक तरफ नीचे रूट्स हेयर जो है वो ऊपर पुश करते हैं, और ये जो लीफ है जिसने पानी छोड़ दिया वो क्या करती है? पुल करती है उस पानी को ऊपर। कौन से पानी को? सैप सॉल्यूशन को। सैप सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसके अंदर मिनरल्स और वाटर एक साथ होते हैं। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैप सॉल्यूशन। ये था आपके पानी का। खाने में हमने क्या देखा कि भाई लीफ खाना बनाती है, उसे प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम टिश्यू का, राइट? तो प्लांट्स के अंदर दो पाइपलाइन की हमने बात की थी, एक हो गया जाइलम पानी के लिए, एक हो गया फ्लोएम खाना पहुंचाने के लिए, ठीक है? तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब हम इसी चीज़ को ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है द सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? कि हमारी बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट होता है वो कौन पहुंचाता है, और हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो कैसे पहुंचता है अलग अलग जगह पर, वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट? आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आपको ग्रुप में आपको होमवर्क भेज दूंगा, अगर PDF नहीं है तो मुझे बता देना, तो मैं PDF भी फॉरवर्ड कर दूंगा। आप पढ़ते रहिए, डाउट हो तो मुझे पूछते रहिए। तब तक टेक केयर, गुड बाय।